एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा में नेक्स्ट चैप्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हम वेक्टर स्पेस कर चुके हैं, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल थ्योरम्स, वेक्टर सब स्पेस, एग्जाम्पल्स, थ्योरम। इसके अलावा हमने लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, ये टॉपिक किया था। आज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, लीनियर स्पैन। हमने लास्ट वीडियो में लीनियर कॉम्बिनेशन किया था, लीनियर कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक लीनियर स्पैन। लीनियर कॉम्बिनेशन, इसमें हमने क्या किया था, हमने LCE, LDE और LI, ये तीन फॉर्मूले किए थे। इन तीनों के लिए हमने किया था कि अल्फा इजिकल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन। मान लिया हमारे पास A3 अल्फा 3 तक है, हमने तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला किया था, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीन्स ये है कि हम अल्फा को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। आई रिपीट, अल्फा को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने किया था लास्ट वीडियो में, हमने क्वेश्चन भी किया था, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन थी, इसके अलावा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये हमें गिवन था। अगर हमारे पास स्केलर फाइंड करना पॉसिबल था, अगर हमने स्केलर फाइंड किए और वो पॉसिबल थे, देन हमने लिखा था कि अल्फा को हम गिवन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किया था ये क्वेश्चन, अब इस वही मीनिंग हुआ कि अल्फा को गिवन वेक्टर यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब देखो, मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 किसी सेट एस के वेक्टर है। अब इसी वर्डिंग को अगर मैं रिपीट करूँ तो अल्फा को एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ओके, अल्फा को एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आज की जो हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होगी लीनियर स्पैन, वो इसी पर डिपेंड करती है। ये वर्डिंग जो मैं बोल रही हूँ इसी पर डिपेंड करती है, अल्फा को एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्फा को एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे किस तरह से डिनोट किया जाता है, LS। इसका मीन्स क्या हुआ कि किसी भी वेक्टर को, मैंने यहाँ पर अल्फा लिया, किसी भी वेक्टर, किसी एक वेक्टर को एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसे डिनोट किया जाता है LS से। एल का मतलब लीनियर, एस का मतलब स्पैन, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर स्पैन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। समझ में आया? अब लीनियर स्पैन में कौन कौन से, अब इसमें कौन कौन से वेक्टर आएंगे LS में। पर क्या किया, अल्फा को एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा, इट मीन्स अल्फा LS का वेक्टर होगा। अगर हम बीटा को B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 एंड सो ऑन B+B3 अल्फा 3, एस के वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इसे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया, किसके इक्वल में, बीटा के। यानी ये वर्डिंग क्या हुई, बीटा को एस के वैक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बीटा किसका वैक्टर हो जाएगा, लीनियर स्पैन का। तो लीनियर स्पैन में कौन कौन से वैक्टर आएंगे, अगर किसी वैक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हमने एस लिखा, अगर किसी वैक्टर को एस के वैक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो वैक्टर लीनियर स्पैन का वैक्टर होगा। आगे समझ में, लीनियर स्पैन। अब इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, लेट VF बी अ वैक्टर स्पेस, लेट S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF। अब S नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब लीनियर स्पैन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के, तो हम क्या लिखेंगे, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होगा ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये फाइनाइट होंगे ना, हमें जो वेक्टर गिवन होते हैं वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा एन फाइनाइट फॉर्म में गिवन होते हैं, तो देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स
अब किसके एलिमेंट, किसके वेक्टर होने चाहिए एलिमेंट, इसे हम वेक्टर भी लिख सकते हैं ऑफ एस, यानी एस के जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर होंगे उनका, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट, वो क्या कहलाता है, लीनियर स्पैन कहलाता है, इज कॉल्ड अ लीनियर स्पैन एंड इज डिनोटेड बाय एल एस। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो एल, इस तरह से एस भी लिख सकते हो। क्लियर, आगे समझ में। तो लीनियर स्पैन में कौन कौन से वेक्टर हुए हमारे पास, मान लिया अल्फा लीनियर स्पैन का वेक्टर है, तो अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ए आई अल्फा आई, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 to n होगी। ओके, ए आई स्केलर होगा फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू एफ एंड, और अल्फा ही हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर, किसका वेक्टर, एस का वेक्टर, अल्फा वन अल्फा टू ये सारे किसके वेक्टर होंगे, एस के वेक्टर होंगे। ये लीनियर स्पैन की डेफिनेशन है। क्लियर है, आगे समझे। अगर किसी भी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, मान लिया अल्फा को हम लीनियर कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, वो एस जरूरी नहीं है। अगर मान लो हमारे पास कोई सबसेट है एस वन, जिसके वेक्टर हमने अल्फा वन अल्फा टू ले लिए, अगर हम अल्फा को अल्फा वन अल्फा टू के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अल्फा हमारे पास लीनियर स्पैन में होगा, लेकिन वो लीनियर स्पैन एस नहीं एस वन हो जाएगा। इसका मीन्स क्या होगा, अगर ऐसा है तो इसका मीन्स क्या हुआ, अल्फा इजिकल टू ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू, यानी हम अल्फा को एस वन के वैक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन और कुछ थ्योरम करेंगे जिसमें आपकी ये डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, द लीनियर स्पैन एल एस ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एस, द लीनियर स्पैन एल एस, एल एस एक लीनियर स्पैन है, इट मीन्स एस में कुछ वेक्टर होंगे जिन्हें हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एस, यहाँ पर एल एस लीनियर स्पैन होगा किसका, नॉन एम्प्टी सबसेट एस का, यानी हमें वेक्टर किसके लेने हैं, एस के लेने हैं, ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ, अब एस क्या है, वी एफ का सबसेट है। ओके, इन द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, तो ये एल एस क्या होना चाहिए, सबस्पेस होना चाहिए, स्मॉलेस्ट एल एस लीनियर स्पैन सबसे छोटा, यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन बताई है इसके अकॉर्डिंग लीनियर स्पैन जो होता है वो सबसे छोटा सेट होता है, यानी लीनियर स्पैन से छोटा कोई भी सेट नहीं होगा। ओके, तो इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, तो ये हमें सबस्पेस प्रूव करना है, छोटा तो होता ही है, ऑफ वी एफ कॉन्टेनिंग एस, दैट इज, इसके अलावा हमें प्रूव क्या करना है कि एल एस एस के इक्वल भी होता है। अब ये हमें पता है कि एल एस सबसे छोटा सेट होता है, हमने एस लिया तो एल एस एस से छोटा होगा, लेकिन अगर हम प्रूव कर दें कि एस एल एस को कॉन्टेन करते हैं, एस इज कॉन्टेन एल एस, या ये लिख सकते हैं कि एल एस इज कॉन्टेनिंग एस, तो उस कंडीशन में ये दोनों, अगर एल एस एस को कॉन्टेन, ये हमेशा ट्रू होगा अगर हम इसे प्रूव कर दें, तो इन दोनों कंडीशन से एस और एल एस इक्वल आ जाएंगे, और ये पार्ट भी हमें प्रूव करना है कि एस और एल एस इक्वल होते हैं। आगे इस थ्योरम समझे, मैं रिपीट कर देती हूँ, थ्योरम में हमें गिवन है कि अगर एल एस कोई लीनियर स्पैन है, किसका, एस के वेक्टर्स का, एस सबसेट है वी एफ का, तो एल एस सबस्पेस होगा वी एफ का। अब सबस्पेस, हमने लास्ट वीडियो में सबस्पेस भी किया था, क्या होता है, हमने डब्ल्यू के लिए किया था कि डब्ल्यू कोई सबसेट है वी का, डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ वी, तो डब्ल्यू में दो वेक्टर लेंगे, अगर हमें डब्ल्यू को सबस्पेस प्रूव करना है, दो स्केलर लेंगे, अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा प्रूव कर दे डब्ल्यू में है, तो डब्ल्यू क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा वी एफ का, ये डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में की थी। अब हमें डब्ल्यू की जगह एल एस को सब स्पेस प्रूव करना है, तो एल एस में हम दो वेक्टर लेंगे, प्रूव कर देंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू एल एस, देन एल एस एक सब स्पेस होगा, ये प्रूव करना ना, एल एस एक सबसेट है वी का, ये हमें गिवन है, लेट एल एस, लेट वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस, लेट एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी एफ, एस वी एफ का सबसेट है, एल एस क्या यहाँ पर लीनियर स्पैन है, एल एस इज अ लीनियर स्पैन ऑफ एस,
एल एस एस का लीनियर स्पैन है, हमें प्रूव क्या करना है, एल एस को सबस्पेस प्रूव करना है, एल एस इज अ सबस्पेस ऑफ बी एफ, इट मीन्स हमें एल एस में दो वेक्टर लेने होंगे, तो हमने दो वेक्टर क्या ले लिए, अल्फा और बीटा, एल एस के दो वेक्टर ले लिए, ओके दो स्केलर ले लिए ए और बी, हमें प्रूव क्या करना है, ए अल्फा प्लस बी बीटा। लेकिन उससे पहले देखो, अल्फा अगर एल एस का वेक्टर है तो अल्फा को एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अल्फा कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमें एस के वेक्टर पता होना चाहिए। तो हमने क्या मान लिया, एस के वेक्टर को अल्फा वन कुछ भी ले सकते हो, कहाँ तक भी ले सकते हो, तो अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन तक लेंगे। अब बीटा भी एल एस का वेक्टर है, तो बीटा को भी एस के लीनियर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास हमने मान लिया ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू एंड सो ऑन ए एन अल्फा। अब बीटा, बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा भी एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो लेकिन स्केलर सेम तो नहीं होंगे ना, अल्फा की वैल्यू अलग से लीनियर कॉम्बिनेशन है, बीटा की वैल्यू अलग से, लेकिन वेक्टर सेम होंगे, क्योंकि अल्फा को भी एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है और बीटा को भी एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो एस के वेक्टर हमारे पास क्या है, अल्फा वन से अल्फा एन, तो बीटा की वैल्यू भी अल्फा वन से अल्फा एन के बीच में ही होगी, तो बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन बी एन अल्फा एन। ठीक, अब हमें प्रूव क्या करना है, नाउ हमें प्रूव क्या करना है, ए अल्फा प्लस बी बीटा ये एल एस में होना चाहिए। अब ए अल्फा प्लस बी बीटा एल एस में कब होगा, अगर इसका सॉल्यूशन एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ एस, एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी एल एस का वेक्टर हो जाएगा ना, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा, अल्फा की वैल्यू भी हमें पता है, बीटा की भी पता है, ए और बी स्केलर है, अल्फा की जगह ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन, प्लस बी बीटा की जगह बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू एंड सो ऑन बी एन अल्फा एन। इसे सॉल्व किया तो ए ए वन अल्फा वन ए का मल्टीप्लाई ए ए टू अल्फा टू प्लस ए एन अल्फा एन, इसी तरह से बी का मल्टीप्लाई किया तो बी बी वन अल्फा वन बी बी टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन बी बी एन अल्फा एन, ऐड कर दें तो फर्स्ट वैल्यू क्या हमारे पास क्या है, ए ए वन अल्फा वन प्लस में फर्स्ट वैल्यू क्या है, बी बी वन अल्फा वन। जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ कोमा होगा तो कोमा लगाएंगे, ये तो हो गया फर्स्ट प्लस फर्स्ट, फिर सेकेंड, सेकेंड से पहले भी प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर भी प्लस, सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास ए ए टू अल्फा टू प्लस में सेकेंड वैल्यू क्या है बी बी टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन, एनथ वैल्यू क्या है ए ए एन अल्फा एन प्लस बी बी एन अल्फा एन। ओके अब देखो फर्स्ट पार्ट से अल्फा वन कॉमन आ रहा है तो ए ए वन प्लस बी बी वन अल्फा वन, इसी तरह से ए ए टू प्लस बी बी टू अल्फा टू एंड सो ऑन ए ए एन प्लस बी बी एन अल्फा एन, ए ए वन प्लस बी बी वन ये स्केलर है, ए वन बी वन ए बी ये सारे स्केलर है, तो ये इनका मल्टीप्लीकेशन एडिशन भी स्केलर होगा, तो हमने इसे मान लिया कि ये है हमारे पास सी वन अल्फा वन प्लस इसे हमने स्केलर मान लिया सी टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन सी एन अल्फा ए अल्फा प्लस बी बीटा। सी वन सी टू कॉन्स्टेंट है जिसे हमने ए ए वन प्लस बी बी वन ए ए टू प्लस बी बी टू के इक्वल मान लिया। अब देखो ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू क्या आई, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म आ रही है किसके वेक्टर के, एस के वेक्टर के, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा कैन बी रिटर्न एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाएगा, इट मीन्स ए अल्फा प्लस बी बीटा एल एस को बिलोंग करेगा। अब अल्फा और बीटा एस को बिलोंग करते थे, अल्फा और बीटा एस को बिलोंग करते थे एल एस को, और ए और बी स्केलर थे, देन हमने प्रूव कर दिया ए अल्फा प्लस बी बीटा एल एस को बिलोंग करते हैं, तो हैंस एल एस क्या हो जाएगा हमारे पास, एल एस इज अ सबस्पेस
ऑफ बी एफ, बी एफ का सबस्पेस हो जाएगा। ओके क्लियर, आगे सामने नेक्स्ट देखो। इसी में हमारा एक और पार्ट था, हमें प्रूव करना है एल एस इक्वल टू एस, ये और प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था कि एल एस सबसे छोटा सेट होता है, सिंस लीनियर स्पैन इज अ लीनियर स्पैन इज अ स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ बी एफ, बी एफ का सबसे छोटा सबसेट होता है। इट मीन्स एल एस कॉन्टेन करेगा एस को, ये हमें पता है। अगेन हमें प्रूव क्या करना है, एस कॉन्टेन एल एस। तो हमने एस में कोई भी एक वेक्टर ले लिया, मान लिया अल्फा एस में है, तो अल्फा को हम वन डॉट अल्फा लिख सकते हैं। वन डॉट लिखने का मीन्स हमने क्या लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म लिखी। अगर अल्फा एस में है तो अल्फा को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया, यानी ये एस के वैक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। और अगर ये एस के वैक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये एल एस को बिलोंग करेगा। अब ये देखो, ये एस में है, ये एल एस में है, इक्वेशन नंबर वन, इसे वन टू एंड थ्री। तो सेकेंड और थर्ड से हमारे पास क्या देगा, अगर कोई भी वैक्टर हम बीटा को एस में ले लें तो वन डॉट बीटा किस में हो जाएगा, एल एस में हो जाएगा। यानी एस में अगर हम कोई भी वेक्टर ले रहे हैं तो वो एल एस में भी होगा। इट मीन्स एस कॉन्टेन करेगा एल एस को, एल एस एस को कॉन्टेन करता है, एस एल एस को कॉन्टेन करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, अब अगर ए कॉन्टेन बी, बी कॉन्टेन ए हो तो ए और बी इक्वल होते हैं, तो एल एस और एस इक्वल होंगे। ये सेकेंड पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। ओके आगे समझ समझ आया ना, लीनियर स्पैन क्या होता है। अगर एल एस लीनियर स्पैन है, इट मीन्स किसी एल एस के अंदर जो वेक्टर होगा उस वेक्टर को एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके क्लियर, नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं जो इसी से रिलेटेड है। देखो नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस, द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस, दो सबस्पेस है उनका सम, लीनियर सम ऑफ ए वेक्टर स्पेस, दो सबस्पेस किसके है वेक्टर स्पेस की, इज ऑल्सो ए सबस्पेस। अगर कोई वेक्टर स्पेस है उसके दो सबस्पेस है तो उनका सम भी एक सबस्पेस होना चाहिए, समझ गए ना। अगर कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस भी मान लिया, उसका कोई भी सबस्पेस लिया, दो सबस्पेस लिए, उनको सम कर दिया, तो उनका सम क्या होना चाहिए, इज ऑल्सो ए सबस्पेस। तो उनका सम भी एक सबस्पेस होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, लेट बी एफ इज अ वेक्टर स्पेस। अब बी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, उसके दो सबस्पेस लेने हैं। सबस्पेस को w से डिनोट करते हैं, लेट w1 एंड w2 आर टू सबस्पेस ऑफ बी एफ, बी एफ के दो सबस्पेस लेंगे। हमें प्रूव क्या करना है, इनका सम, प्रूव टू प्रूव, इनका सम क्या हो जाएगा, w1 प्लस w2 इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ बी एफ, ये हमें प्रूव करना है। अब सबस्पेस प्रूव करने के लिए क्या था, हमें दो वेक्टर लेने हैं, किसमें, w1 प्लस w2 में। अब देखो एडिशन है, हमने इसमें दो वेक्टर ले लिए अल्फा कोमा बीटा, किसके वेक्टर लिए, w1 प्लस w2 के। अब अगर अल्फा w1 प्लस w2 में है, इसका मीन्स क्या हुआ कि अल्फा की वैल्यू इन दोनों सबस्पेस के वेक्टर के एडिशन के इक्वल हुई। w1 अलग से सबस्पेस है, w2 अलग से सबस्पेस है, तो हमने मान लिया कि अल्फा वन w1 में है और अल्फा टू w2 में है, अल्फा इन दोनों के एडिशन में है, तो इन दोनों का एडिशन करें, w1 में अल्फा वन है, w2 में अल्फा टू है, तो इन दोनों का एडिशन, यानी अल्फा हमने क्या ले लिया, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, जो कि w1 प्लस w2 में होगा। समझ में आया ना, अल्फा दो सबस्पेस के एडिशन में है, तो हमने उन दोनों सबस्पेस के अंदर अलग अलग वेक्टर ले लिए, अल्फा की वैल्यू उन दोनों के एडिशन के इक्वल ले ली, तो अल्फा क्या हुआ, इन दोनों एडिशन वेक्टर्स के एडिशन के इक्वल हो गया, यानी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। ओके इसी तरह से बीटा भी इन दोनों के एडिशन में है, एंड बीटा इज इक्वल टू, इफ बीटा बिलोंग्स टू
डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू बीटा भी बिलोंग करता है, तो हम डब्ल्यू वन में एक वेक्टर ले लेते हैं बीटा वन, डब्ल्यू टू में हमने वेक्टर ले लिया बीटा टू, तो बीटा किसके इक्वल हो गया, बीटा वन और डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू के वेक्टर के एडिशन, यानी बीटा वन प्लस बीटा टू के इक्वल किसको बिलोंग करेगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू को। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू को एक सबस्पेस, तो इसमें हमने दो वेक्टर ले लिए, दो स्केलर ले लिए ए और बी, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्रूव करना है। नाउ ए अल्फा प्लस बी बीटा इसमें होना चाहिए, हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू को। अगर ऐसा है तो ये सबस्पेस हो जाएगा। अब देखो ए अल्फा किसके इक्वल लिया था, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, प्लस बी बीटा किसके इक्वल लिया, बीटा वन प्लस बीटा टू। ओके, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, फिर आपको बिल्कुल आसान लगेगा, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो ए अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, बी बीटा की वैल्यू, ब्रैकेट ओपन किया तो ए अल्फा वन प्लस ए अल्फा टू, ब्रैकेट का ध्यान रखना है ए अल्फा वन प्लस ए अल्फा टू, यानी ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी बीटा वन प्लस बी बीटा टू। देखो ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ऐड करना है, ऐड करने के लिए मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट स्केलर यानी ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन, ये पहली कंडीशन होगी, प्लस में ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू, समझ गया, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड कर दिया प्लस सेकंड में सेकंड को ऐड कर दिया। अब ये प्लस कौन सा आता है, ये तो यहाँ पर ये वाला प्लस आता है, अगर ये प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ कोमा होता तो कोमा आता, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई आता, और ये जो प्लस आया ये इन दोनों के बीच में प्लस है ना, तो ये वाला प्लस यहाँ पर आया। ओके, आगे समझ में यहाँ तक। अब देखो ए अल्फा वन, इसे हम यहीं स्टॉप कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। अब हमें, हमारे पास क्या था, सिंस ये किसकी वैल्यू है, ए अल्फा प्लस बी बीटा, सिंस अब देखो अल्फा वन और बीटा वन डब्ल्यू वन के लिए थे, अल्फा टू और बीटा टू डब्ल्यू टू के लिए थे, हमने क्या लिया था, अल्फा वन और बीटा वन ये तो डब्ल्यू वन के थे, अल्फा टू और बीटा टू ये डब्ल्यू टू के थे, दो स्केलर हम ले चुके हैं ए और बी, डब्ल्यू वन के हमारे पास एक सबस्पेस है, सिंस डब्ल्यू वन इज अ सबस्पेस, अब अगर ये सबस्पेस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस, सबस्पेस की डेफिनेशन से क्या होगा, ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन किसको बिलोंग करेगा, डब्ल्यू वन को करेगा। इसी तरह से देखो अल्फा टू बीटा टू डब्ल्यू टू में है, डब्ल्यू टू हमारे पास क्या है, एक सबस्पेस है, सेम लैंग्वेज लिख देंगे डब्ल्यू टू इज ए सबस्पेस, देन बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस ए बी स्केलर है अल्फा टू बीटा टू डब्ल्यू टू में है, तो हम क्या लिखेंगे, ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू किसको बिलोंग करेगा, डब्ल्यू टू को बिलोंग करेगा। अब ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन डब्ल्यू वन में है, ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू डब्ल्यू टू में है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो ये वेक्टर डब्ल्यू वन का है, ये वेक्टर डब्ल्यू टू है, तो वेक्टर पुट कर दें तो हमारे पास क्या देगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा, जब हम एलिमेंट लेते हैं तो इक्वल होते हैं, जब हम एलिमेंट को सेट में चेंज कर देते हैं तो वो बिलोंग में कन्वर्ट हो जाता है, ये किसका एलिमेंट है, डब्ल्यू वन का एलिमेंट है, और ये ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू किसका एलिमेंट है, डब्ल्यू टू का एलिमेंट है, यानी जब हम एलिमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल लिखा जाता है, जब हम उसी को सेट फॉर्म में लिखते हैं तो वो कॉन्टेन या बिलोंग में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग किसे करेगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू को, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, हमने ये इक्वेशन कहाँ से लिखी है, फर्स्ट से। अब देखो ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू को बिलोंग करते हैं, इट मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन क्या हुआ, ये प्रूव करना था ना, हैंस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज अ सबस्पेस, स्केलर हमने किसके लिए थे, एफ के वेक्टर बी के ऑफ बी एफ। ओके, आगे समझ क्लियर है, लीनियर स्पैन। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं, तो देखो नेक्स्ट थ्योरम, मैं एक ही वीडियो में लगातार कई थ्योरम करवाती हूँ, उसका रीजन ये है कि हमने टॉपिक समझा हुआ है इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने टॉपिक समझ लिया कि लीनियर स्पैन क्या होता है, अगर हम इसी थ्योरम को नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएं तो हमें लीनियर स्पैन को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, तो लीनियर स्पैन से रिलेटेड जितनी थ्योरम होंगी या जो भी टॉपिक मैं करवाती हूँ उससे रिलेटेड जितनी थ्योरम होगी मैं उसी लेक्चर में ही करवाती हूँ, और मैं उसी लेक्चर में ही करवाऊँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए टॉपिक।
नेक्स्ट थ्योरम है इफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ, अगर डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू वी एफ वैक्टर स्पेस के दो सब स्पेस है, इट मीन्स वी एफ एक वैक्टर स्पेस है, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू उस वैक्टर स्पेस के दो सब स्पेस है, देन देयर लीनियर सम इज जनरेटेड बाय देयर यूनियन, तो उन दोनों सब स्पेस का लीनियर सम, अब उनका लीनियर सम क्या होता है, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज जनरेटेड बाय, यानी वो किसके इक्वल होगा, देयर यूनियन, उनके यूनियन के इक्वल होगा। ओके रिपीट, अगर वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, वी एफ के दो सब स्पेस है डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू, तो डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू का सम इज जनरेटेड बाय देयर यूनियन, उनके यूनियन के इक्वल होगा, तो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इक्वल होना चाहिए डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू के, यही है। लेकिन बीच में हमारे पास एक पार्ट है एल डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू, हमने अभी पीछे फर्स्ट थ्योरम में क्या था, एल एस इक्वल टू एस क्या था, तो एल डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू के, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एल डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू, तो हमें प्रूव क्या करना है, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एल डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, हम ये पार्ट प्रूव कर देंगे, अगर ये पार्ट प्रूव करेंगे तो ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। ओके क्लियर, समझ में आया ना, हमें गिवन क्या है और क्या प्रूव करना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, जैसे जैसे गिवन है हम वैसे वैसे स्टेप लिखेंगे, लेट वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस, लेट W1 and W2 are two subspace of VF. तो उनका सम, यानी हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव W1 plus W2 उनका सम उन दोनों subspace के यूनियन के इक्वल होना चाहिए, we know that हमें पता है, हम प्रूव कर चुके हैं ना पहले, तो L W1 union W2, L W1 union W2 is equal to, यानी linear span of W1 union W2 is equal to W1 union W2, तो हमें प्रूव क्या करना है, that is to prove, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, W1 plus W2 is equal to linear span of W1 union W2, ठीक है, तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा ना। अब देखो ये इक्वल प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि W1 plus W2 कॉन्टेन करना चाहिए linear span को, इक्वलिटी है ना, अगर ए इक्वल बी है तो ए कॉन्टेन बी, बी कॉन्टेन ए, तो हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज टू प्रूफ। अब देखो अभी तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, हमने प्रूफ करना तो शुरू ही नहीं किया, हमें दो पार्ट प्रूव करने हैं, एक पार्ट तो एल डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू कॉन्टेन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, और दूसरा पार्ट डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू कॉन्टेन एल डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू, तभी इक्वल होगा ना। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, लीनियर स्पैन कॉन्टेन करना चाहिए W1 प्लस W2 को, लीनियर स्पैन सबसे छोटा सेट होता है, तो फर्स्ट पार्ट वी नो दैट, अभी भी हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, लीनियर स्पैन इज अ स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ VF, अब ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, लेकिन लीनियर स्पैन सबसे छोटा सबसेट होता है ना, then L W1 union W2 contain W1 plus W2, तो linear span तो हमेशा ही हर सेट का सबसेट होगा, ठीक है, तो ये तो ट्रू है। अब हमें सेकंड कंडीशन करनी है, सेकंड कंडीशन में W1 plus W2 contain करना चाहिए linear span of W1 union W2 को, अब अगर W1 plus W2 contain करना चाहिए, it means W1 plus W2 का हर एक एलिमेंट लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 में होना चाहिए, तो हम कोई भी एक वेक्टर लेते हैं अल्फा, हमने मान लिया अल्फा बिलोंग किसे करता है W1 प्लस W2 को, तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अभी मैंने बताया था इन दोनों के एडिशन के इक्वल, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अगर हम बिलोंग लिख रहे हैं तो हमने सेट ले लिया, अगर हम इसके एलिमेंट लिख रहे हैं तो हमने इक्वल ले लिया, तो अल्फा 1 किसके एलिमेंट हुआ W1 का, और अल्फा 2 किसका एलिमेंट हुआ W2 का, अगर अल्फा 1 W1 में है तो अल्फा वन डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू में भी होगा, क्योंकि अगर कोई एक वेक्टर डब्ल्यू वन में है तो वो यूनियन में होगा, इसी तरह अल्फा टू डब्ल्यू टू में है तो अल्फा टू भी यूनियन में होगा, अल्फा वन और अल्फा टू किसके वेक्टर हो गए डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू के, ठीक। अब
अब इसी को देखो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू अल्फा वन, वन डॉट अल्फा वन, अल्फा टू वन डॉट अल्फा टू, इसका मीन्स क्या हुआ, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू, यानी अल्फा को अल्फा वन और अल्फा टू के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन कॉमा अल्फा टू, इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। ये किसके वेक्टर है, डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू के, यानी अल्फा कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू। इसका मीन्स क्या हुआ कि अल्फा किसे बिलोंग करेगा, डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू के लीनियर स्पैन को। अल्फा किस में था हमारे पास, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू में टू में था, अल्फा की वैल्यू अल्फा वन प्लस अल्फा टू थी, ये बिलोंग करती है डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू के लीनियर स्पैन को। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो हमारे पास, अल्फा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू में है, इसी वैक्टर को हमने प्रूव कर दिया है डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू के लीनियर स्पैन में। तो अगर कोई एक वेक्टर W1 प्लस W2 में है, उसे हम किसी दूसरे सेट में प्रूव कर दें, तो पहले वाला सेट यानी W1 प्लस W2 कॉन्टेन करेगा लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 को, होगा ना ऐसा। ये कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास, सेकंड पार्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, हमने दो पार्ट प्रूव करने थे ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में था कि L W1 यूनियन W2 कॉन्टेन करता है, फर्स्ट पार्ट में क्या था हमारे पास, L W1 यूनियन W2 यानी लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 कॉन्टेन W1 प्लस W2। और सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, अगर A कॉन्टेन B, B कॉन्टेन A हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, A इक्वल B लिख सकते हैं ना, तो हैंस W1 प्लस W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2, जो कि हमें प्रूव करना था। आगे समझ में, आसान सी थ्योरम थी, कुछ नहीं किया हमने, आधा क्वेश्चन तो आधी थ्योरम तो हमने क्वेश्चन लिखने में ख़त्म कर दी। वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू दो सब स्पेस है, हमें प्रूव करना है दिस पार्ट। हमें पता है कि लीनियर स्पैन सबसे छोटा सबसेट होता है, तो लीनियर स्पैन यूनियन के लिए इज इक्वल टू यूनियन के लिए, या ये कह सकते हैं कि हमने पहले प्रूव किया था ना एल एस इक्वल टू एस, तो एल डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू। तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, लीनियर स्पैन ऑफ डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू। तो ये हमें प्रूव करना है, ये इक्वलिटी में है, इक्वलिटी का मीन्स हमें दो पार्ट प्रूव करने होंगे, इक्वलिटी का मीन्स हमारे पास क्या हो गया कि फर्स्ट सेकंड को कंटेन करना चाहिए, सेकंड फर्स्ट को कंटेन करना चाहिए। अब लीनियर स्पैन तो हर सेट का सबसेट होता है, तो लीनियर स्पैन तो कंटेन करेगा ही करेगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू कंटेन करना चाहिए, अब यहाँ तक क्वेश्चन था। अब W1 प्लस W2 कॉन्टेन करना चाहिए लीनियर स्पैन को, तो हमने W1 प्लस W2 में कोई एक वेक्टर लिया, किसी वेक्टर को लीनियर स्पैन में प्रूव कर देना है, आंसर आ देगा। तो अल्फा W1 प्लस W2 में है, अगर एडिशन में है, अभी हमने पीछे वाली थ्योरम में किया था, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी इन दोनों के वेक्टर के एडिशन के इक्वल होगी, यानी W1 का वेक्टर प्लस W2 का वेक्टर। अगर अल्फा W1 में है तो अल्फा यूनियन में भी होगा, अल्फा 2 W1 में है तो अल्फा 2 भी यूनियन में होगा। यहाँ पर अल्फा वन है, तो अल्फा वन और अल्फा टू किसके वेक्टर हो गए, यूनियन के। अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा वन प्लस अल्फा टू के, ये हमने लिया था यहाँ पर, अल्फा वन को वन डॉट अल्फा वन, अल्फा टू को वन डॉट अल्फा टू। इट मीन्स अल्फा को हम अल्फा वन और अल्फा टू वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म लिख सकते हैं, ये किसके वेक्टर थे, यूनियन के। तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, अल्फा किसको बिलोंग करेगा, लीनियर स्पैन ऑफ डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू को। अल्फा एडिशन में था, यूनियन में प्रूव कर दिया, लीनियर स्पैन में प्रूव कर दिया, तो एडिशन का जो सबसेट है वो कॉन्टेन करेगा लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 का। अगर ऐसा है तो दोनों सबसेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम है, इफ S एंड T आर सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, अगर S और T VF के दो सबसेट हैं, देन तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं, S कॉन्टेन T तो LS कॉन्टेन LT, S कॉन्टेन LT तो LS कॉन्टेन LT, और एल एस यूनिटी इज इक्वल टू एल एस प्लस एल टी। अब एल एस का मीन समझते हो ना, एस कॉन्टेन टी फर्स्ट पार्ट, तो लीनियर स्पैन ऑफ एस कॉन्टेन लीनियर स्पैन ऑफ टी। सेकेंड पार्ट एस कॉन्टेन लीनियर स्पैन ऑफ टी, देयरफॉर लीनियर स्पैन ऑफ एस कॉन्टेन लीनियर स्पैन ऑफ टी। थर्ड पार्ट लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनिटी इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी। ये तीनों पार्ट हमें प्रूव करने हैं। और देखो गिवन क्या है, वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, लेट वी एफ
इज अ वेक्टर स्पेस, बिल्कुल आसान सी थ्योरम है ये भी। अलजेब्रा पूरा पेपर ही आसान होता है। लेट वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस, लेट एस एंड टी आर टू सबसेट ऑफ वी एफ। अब हमें फर्स्ट पार्ट प्रोपन है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि एस टी को कंटेन करता है, तो हमें प्रूव करना है, देन प्रूव क्या करना है, एल एस एल टी को कंटेन करना चाहिए। अगर एस टी को कंटेन करता है तो एल एस एल टी को कंटेन करना चाहिए। कंटेन का मीन्स जो भी वेक्टर हम एल एस में लेंगे यानी लीनियर स्पैन ऑफ एस में लेंगे वो वेक्टर लीनियर स्पैन ऑफ टी में होना चाहिए। अब लीनियर स्पैन ऑफ एस में हम कोई वेक्टर लेते हैं तो मान लिया अल्फा लीनियर स्पैन ऑफ एस में है यानी एल एस में है। इसका मीन्स क्या हुआ कि अल्फा कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एस, एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाता है, तो एस के कुछ वेक्टर होंगे दैट एस, हम एस के कुछ वेक्टर ले लेते हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा एन। इट मीन्स अल्फा को हम इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अल्फा को हम ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन लिख सकते हैं ना ऐसा। इन शॉर्ट हम ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई अल्फा आई, यहाँ पर आई की वैल्यू वन टू एन। अब देखो हमें गिवन क्या है कि एस टी को कंटेन करते हैं यानी अगर एस में कोई वेक्टर है तो वो टी में भी होगा। अब एस के वेक्टर हमारे पास क्या है दिस, यानी इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा आई बिलोंग्स टू एस, यहाँ पर आई की वैल्यू वन टू एन है। देखो अगर अल्फा आई एस में है और एस टी को कंटेन करता है, अल्फा आई हमारे पास क्या है एस में है, यहाँ पर आई की वैल्यू वन टू एन है और एस टी को कंटेन करता है, तो अल्फा आई टी में भी होगा जहाँ पर आई की वैल्यू वन टू एन होगी। होगा ना ऐसा कि अगर अल्फा आई एस में है एस टी को कंटेन करता है तो अल्फा आई टी में भी होगा। अगर अल्फा आई टी में है तो अल्फा आई के साथ स्केल लगाएं हम तो वो किस में हो जाएगा, एल टी में हो जाएगा। हमने अभी किया था ना कि अगर अल्फा एस में है तो वन डॉट अल्फा एल एस में होगा, वन की जगह हम ए भी पुट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो अगर अल्फा आई टी में है उसके साथ स्केलर लगा लिया तो टी के जो वेक्टर है उन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो ये एल टी में होगा। ए आई अल्फा आई, अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है वन टू एन, तो हम समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन लिख लेते हैं। अब देखो समेशन ऑफ ए आई अल्फा आई, हमने अल्फा को क्या माना था, ये अल्फा है समेशन ऑफ ए आई अल्फा आई, तो ए आई अल्फा आई की जगह हम अल्फा लिख सकते हैं। किसको बिलोंग करेगा, एल टी को बिलोंग करेगा। अल्फा किस में था, एल एस में, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लेते ऐसे हम, ये थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से देखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अल्फा एल एस में था हमने प्रूव कर दिया अल्फा एल टी में है। इट मीन्स एल एस में अगर कोई वेक्टर है तो वो वेक्टर एल टी में भी होगा, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एल एस कॉन्टेन करेगा एल टी को। यस आगे समझ। अब इसी का सेकेंड पार्ट, एस कॉन्टेन एल टी देयरफॉर एल एस कॉन्टेन एल टी। देखो सेम है, चेंज क्या है, टी की जगह एल टी है। देखो अगर टी की जगह एल टी करें, एस कॉन्टेन टी था यहाँ पर एस कॉन्टेन टी है, अगर हम एल टी कर दें तो हमें ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट होगा ना हमारे पास ये अल्फा आई अगर एस में है तो अल्फा आई टी में होगा। ठीक है, किस में होगा, एल टी में होगा, स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एल टी में होगा ही होगा। तो सेकेंड पार्ट हमें सेम करना है, सिर्फ टी की जगह एल टी लिखना है और कोई चेंज नहीं होगा, तो इसे आप खुद करोगे सेकेंड पार्ट को। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अगर आपसे सेकेंड पार्ट सॉल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, एल एस यूनिटी लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनिटी इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी। थर्ड पार्ट, लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, अब इसके लिए देखो ये इक्वलिटी है, इक्वलिटी को फिर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज टू प्रूव। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो हमने ए पार्ट बना लिया एल एस यूनियन टी कॉन्टेन एल एस प्लस एल टी, और दूसरा पार्ट हमने बना लिया एल एस प्लस एल टी कॉन्टेन एल एस यूनियन टी।
ए बार करेंगे फिर बी बार करेंगे, अगर दोनों के दोनों ट्रू है तो इक्वलिटी अपने आप हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट पार्ट, अब दोनों पार्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या, एस ओ टी का लीनियर स्पैन, तो हमें एस के वैक्टर भी चाहिए टी के वैक्टर भी चाहिए। तो हमने क्या मान लिया लेट, ए पार्ट से पहले ही हम क्या मान लेंगे स्टार्ट करने से पहले एस के वैक्टर ले लेंगे लेट, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन, अल्फा एन बिलोंग्स टू एस एंड बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एंड सो ऑन, बीटा एम बिलोंग्स टू टी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो ये तो जरूरी नहीं है ना। तो हमने इसमें एन वैक्टर ले लिए, इसमें एम वैक्टर ले लिए, तो एस यूनियन टी में वैक्टर क्या हो जाएंगे, देयर फोर देन अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा एन बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एंड सो ऑन बीटा एम, ये सारे वैक्टर किस में हो जाएंगे, एस यूनियन टी में हो जाएंगे। हमें एस भी अलग से चाहिए टी अलग से चाहिए यूनियन अलग से चाहिए, तो हमने एस के वैक्टर टी के वैक्टर एस यूनियन टी के वैक्टर। अब हम ए पार्ट करेंगे, ए पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि एल एस यूनियन टी कंटेन करना चाहिए एल एस प्लस एल टी को, इट मीन्स अगर कोई वैक्टर लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी में है तो वो वैक्टर एल एस प्लस एल टी में होना चाहिए। अब कोई वेक्टर एल एस यूनियन टी में है तो हमने क्या माना कि अल्फा लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी में, इसका मीन्स क्या हुआ दैट इज अल्फा कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन बीटा वन बीटा टू एंड सो ऑन बीटा एन, इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म लिखा जाता है। इट मीन्स अल्फा की जो वैल्यू होगी इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन प्लस हम ले लेते हैं यहाँ पर बी वन बीटा वन बी टू बीटा टू एंड सो ऑन बी एम बीटा एम, ये हमने मान लिया। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अल्फा को ही एल एस प्लस एल टी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ये इक्वेशन नंबर वन। अगेन देखो एस के वेक्टर क्या थे हमारे पास अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा एन, ये हमारे पास एस के वेक्टर थे। अगर हम इसे ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन लिखे, यानी हमने एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, तो ये किसको बिलोंग करेगा एल एस को बिलोंग करेगा। इसी तरह से बीटा वन बीटा टू एंड सो ऑन बीटा एम, ये किसके वेक्टर है, ठीक है अगर हम इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दें बी वन बीटा वन बी टू बीटा टू एंड सो ऑन बी एम बीटा एम, ये क्या हुआ टी के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन एल टी में होगा। अब ये एल एस में है ये एल टी में है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो हमारे पास क्या है अल्फा इक्वल टू ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन, ये इसे हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं प्लस बी वन बीटा वन प्लस बी टू बीटा टू प्लस एंड सो ऑन बी एम बीटा एम, ओके ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन। अब देखो अल्फा अगर हमने एलिमेंट लिखे तो इस तरह से ये किसका एलिमेंट है, सेकेंड इक्वेशन से देखो ये एल एस का एलिमेंट है तो इसकी जगह एल एस लिख लिया, ये किसका एलिमेंट है थर्ड इक्वेशन से एल टी का, अगर हमने यहाँ पर एलिमेंट ना लिख के सेट लिखा तो ये इक्वल की जगह बिलोंग हो जाएगा, समझ गया ना। तो अल्फा किस में हुआ हमारे पास एल एस प्लस एल टी में, हमने लिया किस में था अल्फा को एल एस यूनियन टी में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिया ना इसे फोर्थ मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड इसे हम फिफ्थ मान लेते हैं, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखो फोर्थ इक्वेशन में अल्फा किस में था एस यूनियन टी में लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी में, हमने प्रूफ किस में कर दिया एल एस प्लस एल टी में, तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ एल एस यूनियन टी कॉन्टेन करेगा एल एस प्लस एल टी को, होगा ना, ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया ए पार्ट, क्लियर, कुछ भी नहीं किया ना, सिंपल सी थ्योरम है। अब इसका बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट में क्या हमें प्रूव करना है एल एस प्लस एल टी कॉन्टेन करना चाहिए एल एस यूनियन टी को, हमने वेक्टर वही लिए हुए जो अभी शो किए थे, तो हमने क्या मान लिया कि अल्फा एल एस प्लस एल टी में है, इसका मीन्स क्या हुआ कि अल्फा को इन दोनों वेक्टर के ये एलिमेंट की ये हमारे पास सेट की फॉर्म में है, तो हमने मान लिया कि अल्फा की जो वैल्यू है वो बीटा प्लस गामा है,
अल्फा दो सबसेट के एडिशन के फॉर्म में है ना, तो अल्फा को हमने बीटा प्लस गामा मान लिया, जहां पर बीटा हियर बीटा एलएस को बिलोंग करेगा और गामा एलटी को बिलोंग करेगा, ऐसा ही होगा ना। हमने एलएस का कोई एक एलिमेंट ले लिया और एलटी का कोई एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट लिया तो ये बिलोंग इक्वल में हो गया। तो अल्फा की वैल्यू बीटा प्लस गामा के इक्वल है, बीटा एलएस का एलिमेंट है, बीटा एलएस का एलिमेंट है, इसका मीन्स क्या हुआ, बीटा कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस वेक्टर ऑफ एस ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस, एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से गामा हमारे पास क्या है, एलटी में है, तो गामा कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ टी, टी के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। पर बीटा प्लस जो गामा होगा, अब बीटा एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी बीटा की वैल्यू ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू एंड सो ऑन, गामा की वैल्यू टी के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों कंडीशन से बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी वो कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस यूनियन टी, लिख सकते हो ना, क्योंकि ये देखो वैसे ही इसे लिखने की जरूरत है, बीटा को एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू ए एन अल्फा, गामा को टी के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बी वन बीटा वन बी टू बीटा टू बी एम बीटा एम। तो बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वन अल्फा वन से ए एन अल्फा एन, बी वन बीटा वन से बी एम बीटा एम। तो बीटा प्लस गामा क्या हुआ हमारे पास, एस यूनियन टी के जो वेक्टर है, एस यूनियन टी के वेक्टर अल्फा वन से अल्फा एन बीटा वन से बीटा एम है, तो बीटा प्लस गामा को एस यूनियन टी के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो इसलिए ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं, ये हमें पता है कि ट्रू होगा, तो ये पार्ट आपको करके दिखाना है तो कर भी सकते हो, और डायरेक्ट इसे लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है तो आप लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो बीटा प्लस गामा कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस यूनियन टी वेक्टर्स ऑफ, तो अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा था, बीटा प्लस गामा को हम एस यूनियन टी के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखने का मीन्स ये किसको बिलोंग करेगा, एस यूनियन टी के लीनियर स्पैन को। अब अल्फा था किसमें, यहाँ पर देखो ये इक्वेशन नंबर हम 5 तक बना चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर 6 और ये 7, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 7th अल्फा एल एस प्लस एल टी में था, प्रूव कर दिया अल्फा एल एस यूनियन टी में है, तो एल एस प्लस एल टी कॉन्टेन करेगा एल एस यूनियन टी को, ये बी पार्ट हो गया हमारे पास। अब ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ट्री आ गए ना, फ्रॉम ए एंड बी, अब दोनों पार्ट अगर ए कॉन्टेन बी बी कॉन्टेन ए हो तो हम क्या लिख सकते हैं, एल एस प्लस एल टी इक्वल किसके होगा, एल एस यूनियन ठीक है, ये पार्ट हमें प्रूव करना था। ओके आगे समझ, ये तो थी थ्योरम जिसमें हमें वैल्यू गिवन नहीं थी, हमने अपनी तरफ से अल्फा वन अल्फा टू वेक्टर लिया और उसे सॉल्व किया। नेक्स्ट हम दो क्वेश्चन और करते हैं जो कि लीनियर स्पैन से ही रिलेटेड है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा वन इज इक्वल टू वन टू माइनस वन, अल्फा टू टू माइनस थ्री टू, अल्फा थ्री एंड अल्फा फोर, हमें चारों वेक्टर्स की वैल्यू गिवन है, देन शो दैट, तो प्रूव करना है एल अल्फा वन कॉमा अल्फा टू, यानी लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा वन कॉमा अल्फा टू इज नॉट इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा थ्री अल्फा फोर, यानी वन और टू का लीनियर स्पैन अलग है, थ्री और फोर का लीनियर स्पैन अलग है। तो हम दो सेट ले लेते हैं, पहले तो वी एफ वैक्टर स्पेस ले लिया, लेट वी एफ इज अ वैक्टर स्पेस। अब हम दो सबसेट ले लेते हैं, लेट एस एंड टी आर टू सबसेट ऑफ वी एफ। अब एस में हमने वेक्टर मान लिए अल्फा वन और अल्फा टू, और हमने टी में वेक्टर मान लिए अल्फा थ्री और अल्फा फोर। ओके अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एल एस अल्फा वन अल्फा टू के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन एल एस होगा इज नॉट इक्वल टू एल टी, यानी एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट इक्वल टू टी के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। हमें जो प्रूव करना है हम उसको कॉन्ट्राडिक्शन, हमें जो प्रूव करना है हम उसको कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं। तो एज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जो हमें प्रूव करना है उसका ऑपोजिट,
हमें एलएस और एलटी को नॉट इक्वल प्रूव करना है. तो एज ए कॉन्ट्रडिक्शन वी एज्यूम दैट, हमने क्या मान लिया, एलएस और एलटी आपस में इक्वल है. अगर एलएस और एलटी इक्वल है यानी एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू टी के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, हमें प्रूव क्या करना है कि नॉट इक्वल, एलएस और एलटी नॉट इक्वल होने चाहिए. इट मीन्स हमने जो माना है उसे गलत प्रूव करना है, कॉन्ट्रडिक्शन को गलत प्रूव करना है. तो एलएस, एलएस का मीन्स एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन. एस के वेक्टर हमारे पास है अल्फा वन और अल्फा टू, तो अल्फा वन और अल्फा टू का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू. इक्वल किसे के है, टी के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन. टी के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ए थ्री अल्फा थ्री ए फोर ये अल्फा फोर ए फोर अल्फा फोर. अब ये इक्वल है, हम इसे सोल्व कर लेते हैं. ए वन अल्फा वन, अल्फा वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन टू माइनस वन, प्लस ए टू अल्फा टू की वैल्यू हमारे पास टू माइनस थ्री टू, टू माइनस थ्री टू इज इक्वल टू ए थ्री, अल्फा थ्री की वैल्यू फोर वन थ्री, प्लस ए फोर अल्फा फोर की वैल्यू हमारे पास है माइनस थ्री वन टू. ओके, इसे सॉल्व करेंगे, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत आना चाहिए. ए वन का मल्टीप्लाई किया तो ए वन टू ए वन माइनस ए वन, ए टू का मल्टीप्लाई किया तो टू ए टू माइनस थ्री ए टू और टू ए टू, ए थ्री का मल्टीप्लाई किया तो फोर ए थ्री ए थ्री एंड थ्री ए थ्री. इसी तरह से ए फोर का मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री ए फोर ए फोर और टू ए फोर. अब ये देखो दो वेक्टर को है ऐड करें, ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर. कैसे बताया था आपको, फर्स्ट वैल्यू ए वन यहाँ पर प्लस है तो प्लस, सेकंड फर्स्ट वैल्यू टू ए टू. अब सेकंड वैल्यू लेनी है, सेकंड फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के बीच में कोमा है दोनों वेक्टर में, तो कोमा टू ए वन माइनस थ्री ए टू, फिर कोमा माइनस ए वन प्लस टू ए टू. सेम ऐसे ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे, फोर ए थ्री माइनस थ्री ए फोर, ए थ्री प्लस ए फोर, थ्री ए थ्री प्लस टू ए फोर. ओके, अब ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक सिंगल वेक्टर है, इक्वलिटी है तो हम इक्वलिटी लगा देते हैं. इक्वलिटी में फर्स्ट वेक्टर टू ए वन प्लस ए टू, इक्वल में क्या हो जाएगा, फोर ए थ्री माइनस थ्री ए फोर. सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, टू ए वन माइनस थ्री ए टू, इक्वल हो जाएगा ए थ्री प्लस ए फोर. नेक्स्ट माइनस ए वन प्लस टू ए टू, ये इक्वल हो जाएगा थ्री ए थ्री प्लस टू ए फोर. ओके, हम इसे इक्वेशन बनाते हैं, एल एस इज इक्वल टू एल टी, इसे हमने फर्स्ट मान लिया, ये सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. अब देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ ए वन और ए टू ए थ्री और ए फोर की फॉर्म में है. हम किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया, ए वन और ए टू को ए थ्री और ए फोर की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, उसे हम फर्स्ट में पुट कर लेंगे. तो अगर हम ए वन और ए टू की वैल्यू थ्री और फोर की फॉर्म में यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, फोर ए थ्री माइनस थ्री ए फोर, है ना. आई रिपीट, मैं इसे रिपीट करती हूँ, हमें इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ को. हम किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया. अब इसका मीन्स क्या है कि हम ए वन और ए टू की वैल्यू को थ्री और फोर की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे, यानी ए वन को भी हम ए थ्री और ए फोर में कैलकुलेट करेंगे, ए टू को भी हम ए थ्री और ए फोर में कैलकुलेट करेंगे. और इस ए वन और ए टू की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड ए थ्री और ए फोर में आएगी, ए थ्री और ए फोर में हमारा राइट हैंड साइड में आंसर है. तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, फोर ए थ्री माइनस थ्री ए फोर, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए. अगर ऐसा है तो हमने जो कैलकुलेशन किया वो सही है, या हमने जो माना वो सही है. लेकिन अगर ऐसा नहीं आया, ये सॉल्यूशन नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की राइट हैंड साइड नहीं आई, इट मीन्स हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गया, हमने जो माना है वो गलत हो गया, और हमने जो माना है वो गलत है, इट मीन्स एल एस और एल टी आपस में नॉट इक्वल होंगे. ओके, समझ गए ना. तो हम सॉल्व करते हैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से ए वन और ए टू की वैल्यू को. तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अगर हमें ए वन कैलकुलेट करना है तो ए टू को कैंसिल करना पड़ेगा, फॉर ए वन, ए वन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्थ इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए टू कैंसिल हो जाएगा. तो देखो इसे टू से मल्टीप्लाई किया तो टू फोर ए वन, माइनस करना तो ये प्लस हो जाएगा थ्री ए वन, फोर और थ्री सेवन ए वन.
ये हो जाएगा सॉरी ये माइनस है ये प्लस है तो हम ऐड करेंगे, तो ये 4 और ये माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1। यहाँ पर हमारे पास ओनली ए वन रह जाएगा, ए टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 2 6 इज इक्वल टू, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे 3 से किया, तो 2 और 9 11 ऐड कर दिया, 11 ए 3, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से किया, तो ये 2 और ये 6, 2 और 6 8, ए 4, ए 1 की वैल्यू ए 3 और ए 4 में आ गई। अगेन हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ किसके लिए, ए 2 के लिए, यानी हमें ए 1 को कैंसिल करना है, ए 1 को कैंसिल करने के लिए यहाँ 2 ए 1 है यहाँ ए 1 है, तो थर्ड इक्वेशन को में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड कर देंगे, तो 2 ए 1 से 2 ए 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4, माइनस 3 प्लस 4 ए 2 इज इक्वल टू, इसमें कोई चेंज नहीं, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 और 1 7, 4 और 1 5 ए 4, तो ए 1 और ए 2 की वैल्यू ए 3 और ए 4 में आ गई। इस वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर लेते हैं, देखो ए 2 और ए 3 की वैल्यू को हम सेकंड में पुट करें अगर, तो ए 1 और ए 2 की वैल्यू को, तो देखो सेकंड इक्वेशन ए 1 की जगह हमारे पास क्या है, ए 1 सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ए 1 प्लस 2 ए 2, ए 1 की जगह हम पुट करें 11 ए 3 प्लस 8 ए 4 प्लस 2 ए 2, ए 2 की जगह हमने पुट किया 7 ए 3 प्लस 5 ए 4, तो सॉल्यूशन क्या आया 11 ए 3 प्लस 8 ए 4 प्लस 14 ए 3 प्लस 10 ए 4, इट मीन्स 11 और 14 25 ए 3, 10 और 8 18 ए 4, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं, अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि ये दोनों इक्वेशन तो ट्रू है लेकिन ये आपस में इक्वल ना हो, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन राइट हैंड साइड आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इट मीन्स हमने जो माना है वो गलत हो गया, और हमने माना क्या था, ओवर्स पोजिशन इज रॉन्ग, सो ओवर्स पोजिशन इज रॉन्ग, हमारा पोजिशन गलत, यानी हमने जो माना है वो गलत हो गया, हमने क्या माना था एल एस और एल टी इक्वल है, तो ये गलत होगा ना, तो एल एस और एल टी इक्वल नहीं होंगे। आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द वेक्टर स्पेस v3r एक वेक्टर स्पेस है, लेट अल्फा 1 1 2 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू गिवन है, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव क्या करना है, द सरफेस स्पैंड बाय s एंड t आर द सेम, द सबस्पेस दो सबस्पेस है एस ओ टी स्पैन, यानी इनका जो लीनियर स्पैन होगा आर द सेम, वो सेम होना चाहिए, इट मीन्स एस का लीनियर स्पैन टी के लीनियर स्पैन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, लेट वी एफ की जगह आर, यानी जो स्केलर है वो रियल नंबर है, इज अ वेक्टर स्पेस, अब दो सबस्पेस है एस ओ टी, लेट एस एंड टी आर टू सबस्पेस ऑफ वी आर, ये दो सबस्पेस है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि एस और टी का जो लीनियर स्पैन होगा, तो एस का लीनियर स्पैन एल एस, टी का लीनियर स्पैन एल टी, आर द सेम, ये सेम होना चाहिए, तो एल एस और एल टी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, देखो एल एस और एल टी इक्वल होने चाहिए, ऐसा इक्वल कब होगा, क्योंकि जितने वेक्टर एस में है उतने ही वेक्टर टी में होंगे तभी ये सेम होंगे ना, अगर मान लो हमने एस में तो ले लिया अल्फा 1 अल्फा 2, टी में ले लिया 1 2 3 जैसे क्वेश्चन में क्यों ना, तो एस के वेक्टर का लीनियर स्पैन ए 1 अल्फा 1 ए 2 अल्फा 2, टी के वेक्टर का लीनियर स्पैन ए 1 अल्फा 1 ए 2 अल्फा 2 या बी 1 अल्फा 1 बी 2 अल्फा 2 बी 3 अल्फा 3, अब इसमें अल्फा 3 है ही नहीं तो सेम कैसे होगा, हमें सेम प्रूव करना है, हमें यहाँ से अल्फा 3 को हटाना पड़ेगा, किस फॉर्म में, अल्फा 1 और अल्फा 2 की फॉर्म में, समझ में आया, एस के वेक्टर का लीनियर स्पैन टी के वेक्टर के लीनियर स्पैन के इक्वल होना चाहिए, एस के वेक्टर का लीनियर स्पैन ए 1 अल्फा 1 ए 2 अल्फा 2, टी के वेक्टर का लीनियर स्पैन बी 1 अल्फा 1 बी 2 अल्फा 2 बी 3 अल्फा 3, ये इक्वल होना चाहिए, इट मीन्स अगर इसमें दो वेक्टर है तो इसमें भी दो वेक्टर ही होंगे तभी इक्वल होगा, ऐसा तो नहीं है कि इसमें तीन है हम तीसरा ऐड नहीं कर सकते, तीसरे को रिमूव कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से अल्फा 3 को रिमूव करना पड़ेगा, या तो अल्फा 3 रिमूव करके ये कैंसिल हो जाए जीरो हो जाए, या अल्फा 3 की वैल्यू अगर हम अल्फा 1 और अल्फा 2 की फॉर्म में कैलकुलेट कर लें
तो एल एस के इक्वल हो सकता है ना, पॉसिबल है ना। तो हम यहाँ से अल्फा थ्री को हटाकर अल्फा वन और अल्फा टू की फॉर्म में पुट करेंगे। तो देखो हमें प्रूव क्या करना है, पहले तो एल एस, एस का मीन्स अल्फा वन अल्फा टू, टी का मीन्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। अब एल टी ये हमारे पास क्या है, टी के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। इट मीन्स हम इसे ले रहे हैं ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री, टी के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। यहाँ पर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री किसके वेक्टर हुए, टी के वेक्टर हुए, और ए वन ए टू ए थ्री ये स्केलर हुए, वी थ्री आर लिखा हुआ है, तो ये स्केलर किसके होंगे, आर के होंगे। हमें इसे एल एस के इक्वल प्रूव करना है। एल एस का मीन्स हमारे पास अल्फा थ्री नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हम अल्फा थ्री को यहाँ से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, हमने मान लिया कि अल्फा थ्री इज इक्वल टू बी वन अल्फा वन प्लस बी टू अल्फा टू, यानी अल्फा थ्री को हमने क्या ले लिया, अल्फा वन और अल्फा टू की फॉर्म में ले लिया। ले सकते ना सर, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने एक थ्योरम की थी कि किसी भी एक वेक्टर को बचे हुए किसी भी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर वो सबस्पेस है, अगर W कोई सबस्पेस है या S कोई सबस्पेस है, और S में वेक्टर हमने लिए थे अल्फा वन से अल्फा एन, तो किसी भी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने ये थ्योरम की थी। और अगर ये एल डी है तो, अगर एस एल डी है तो हमने ऐसा किया था, तो हमने बाकी वेक्टर के यानी अल्फा थ्री को अल्फा वन और अल्फा टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। अल्फा थ्री इक्वल टू बी वन अल्फा वन बी वन, वैसे तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करें सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में वैल्यू भी गिवन है अल्फा वन अल्फा टू की, तो हम वैल्यू को पुट करके फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बी वन अल्फा वन, अल्फा वन की वैल्यू हमारे पास वन टू वन, प्लस बी टू अल्फा टू की वैल्यू गिवन है अल्फा टू की वैल्यू 315, और अल्फा थ्री इज इक्वल टू अल्फा थ्री है, तो यहाँ पर हम अल्फा थ्री की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा थ्री की वैल्यू 3 माइनस 4 7, ओके, तो देखो 3 माइनस 4 7 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया तो बी वन टू बी वन बी वन प्लस 3 बी टू बी टू और 5 बी टू, एडिशन किया तो फर्स्ट बी वन प्लस 3 बी टू, सेकेंड टू बी वन प्लस बी टू एंड थर्ड बी वन प्लस 5 बी टू, इसके इक्वल हुआ 3 माइनस 4 7 के। अब इक्वलिटी अगर हम लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, बी वन प्लस 3 बी टू इक्वल टू 3, टू बी वन प्लस बी टू यहाँ पर कॉमन ही है प्लस आएगा, टू बी वन प्लस बी टू इज इक्वल टू माइनस 4 एंड बी वन प्लस 5 बी टू इज इक्वल टू 7। इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास एल टी, ये एल टी फर्स्ट इक्वेशन, इसे हमने अल्फा 3 को लिया था सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ से बी वन बी टू कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड में से फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट किया तो बी वन कैंसिल, फिफ्थ में से थर्ड को किया तो 5 बी टू माइनस 3 बी टू 2 बी टू, 7 माइनस 3 4 बी टू क्या हो गया हमारे पास 2, बी टू 2 है तो थर्ड में वैल्यू पुट कर दी या फोर्थ में वैल्यू पुट कर दी, तो बी वन प्लस 2 3 या 6 इक्वल टू 3, तो बी वन क्या हुआ माइनस 3। बी वन और बी टू की वैल्यू किस में पुट कर देंगे हम, सेकेंड इक्वेशन में, तो अल्फा 3 आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन देखो, अल्फा 3 क्या था, बी वन अल्फा 1 प्लस बी टू अल्फा 2, अल्फा 3 किसके इक्वल हो जाएगा, बी वन अल्फा 1 प्लस बी टू अल्फा 2, ओके। अब अल्फा 3 की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एल टी इक्वल टू ए वन अल्फा 1 प्लस ए टू अल्फा 2 प्लस ए थ्री अल्फा 3, ओके। यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टी के वेक्टर थे, ए वन ए टू ए थ्री स्केलर थे, इज इक्वल टू, ये क्या हुआ हमारे पास, ए वन अल्फा 1 प्लस ए टू अल्फा 2 प्लस ए थ्री अल्फा 3, हमने अभी अल्फा 3 कैलकुलेट किया, किसके इक्वल आया, माइनस 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, ओके। यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 किसके वेक्टर हो गए, एस के, दो ही वेक्टर ना, तीन नहीं है, और ए वन ए टू स्केलर हो गए, ए वन ए टू ए थ्री ये स्केलर हो गए। तो देखो ब्रैकेट ओपन किया तो ए वन अल्फा 1 प्लस ए टू अल्फा 2 माइनस
थ्री ए थ्री अल्फा वन माइनस प्लस टू ए थ्री अल्फा टू। ओके, इसी को फिर से सॉल्व करें तो यहाँ से अल्फा वन को बना रहे हैं तो ए वन माइनस थ्री ए थ्री अल्फा वन प्लस में ए टू प्लस टू ए थ्री अल्फा टू। ओके, अब देखो ये स्केलर है हमारे पास, इस स्केलर को हम मान लेते हैं ए अल्फा वन, ये भी स्केलर है, इस स्केलर को हमने बी अल्फा टू ले लिया। इसका मीन्स क्या है, एस के वैक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, एस के वैक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, इट मीन्स एल एस। तो एल टी किसके इक्वल हो गया हमारे पास, एल एस के इक्वल हो गया, क्योंकि हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। समझ, एल एस और एल टी को इक्वल प्रूव करना है। एस में दो वैक्टर है, टी में तीन वैक्टर है, तो हमने थर्ड जो वैक्टर है उसे बाकी दो के वैक्टर, बाकी दो वैक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया। तो अल्फा थ्री की वैल्यू हमारे पास अल्फा वन और अल्फा टू की फॉर्म में आ जाएगी, इसे हम एल टी में पुट करेंगे। जब हम एल टी में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन अल्फा वन और अल्फा टू पर ही डिपेंड करेगा, इट मीन्स एस के वैक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिसे हम एल एस लिख सकते हैं। तो एल टी एल एस के इक्वल होगा। ओके, आगे समझ, आज हमने लीनियर स्पैन की डेफिनेशन की, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और थ्योरम किए, मैंने कंप्लीट करवा दिए थ्योरम और एग्जाम्पल जो कि लीनियर स्पैन से रिलेटेड थे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।